नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 के मॉड्यूल 8 पर्यावरणीय अध्ययन का शिक्षण शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का सत्र है पर्यावरणीय अध्ययन, इसकी प्रकृति एवं संकल्पना। प्रशिक्षण सत्र को पूरा करने के बाद आप सक्षम होंगे पर्यावरण का अर्थ, परिभाषा और उसके व्यवहारिक रूप को समझने में। पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, इसकी प्रकृति और संकल्पना को समझने में। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन के स्वरूप को समझने और विश्लेषण करने में। पर्यावरणीय अध्ययन की एकीकृत पाठ्यचर्या को समझने और उसके अनुसार अपनी शिक्षण योजना बनाने में। इस सत्र के प्रशिक्षण बिंदु हैं पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा, पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, इसकी प्रकृति और संकल्पना, पर्यावरणीय अध्ययन और अन्य विषयों में अंतर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन, एनसीएफ 2005 और 2020 में पर्यावरणीय अध्ययन की संकल्पना। बाल सुलभ मन में यह सहज जिज्ञासा आती है कि वास्तव में पर्यावरण क्या है। इसके लिए वह अपने आसपास जिन भी चीजों को देखता, सुनता और समझता है उनको कोरिलेट करता है कि इनमें से किस चीज को हम पर्यावरण के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम पर्यावरण को समझें। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ है घेरा। अर्थात पर्यावरण वह आवरण है जिसने संपूर्ण जीव मंडल को आवृत कर रखा है, अर्थात घेर रखा है। इसका अर्थ है हमारी सराउंडिंग्स, अर्थात आसपास का वातावरण, जिसमें हर वस्तु, जीव या घटक जिससे हम घिरे हुए हैं, वे कहीं न कहीं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो पर्यावरण उन दशाओं का योग कहलाता है जो मानव को निश्चित समयावधि में नियत स्थान पर आवृत करती है। और जब अपने पर्यावरण के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसे ही पर्यावरणीय अध्ययन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आसपास की छानबीन या जांच पड़ताल ही पर्यावरणीय अध्ययन है, या यूं कहें अपने परिवेश को जानना समझना भी पर्यावरणीय अध्ययन है। वास्तव में पर्यावरणीय अध्ययन बहुत ही व्यापक है। इसकी व्यापकता इस बात से समझी जा सकती है कि दुनिया में पाई जाने वाली हर वस्तु का अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। जैसा कि इस चित्र से भी स्पष्ट है कि चाहे वह सूर्य हो या पेड़ पौधे हों, हमारी पृथ्वी और उसके विभिन्न परिमंडल हों या जलवायु हो, यहाँ तक कि मौसम का भी अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन में किया जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन को समझना है तो इसके कारकों को भी समझना होगा, चाहे वह प्राकृतिक कारक हों जिसमें हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु, नदी, पहाड़ और सौर ऊर्जा आते हैं, या फिर मानव निर्मित कारक हों जिसमें कि यातायात, घर परिवार, पालतू जानवर पक्षी, कल कारखाने, प्रदूषण इत्यादि आते हैं। ये प्राकृतिक कारक और मानव निर्मित कारक जो एक दूसरे को घेरे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, और इनके अंतःक्रिया का अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन की व्यापकता को समझना है तो यह आवश्यक है कि इसके घटकों को भी समझा जाए। जैसा कि आपको पता है, इसके भौतिक अर्थात अजैविक घटकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे कि पर्वत, चट्टान, नदी, हवा और जलवायु के तत्व। इसके जैविक घटकों में सूक्ष्म जीवाणु, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। लेकिन पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत सिर्फ अजैविक और जैविक घटकों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि इनके साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कि भाषा, मूल्य, संस्कृति, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा आते हैं। अर्थात अजैविक घटक जैविक घटक के साथ ही सामाजिक और सांस्कृतिक घटक
जो कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं। इनके सम्मिलित रूप को हम पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है और इसमें हमारे स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल में पाई जाने वाली हर सजीव एवं निर्जीव वस्तु एवं विभिन्न क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जा सकता है। शहर, गांव, द्वीप, महाद्वीप, पर्वत, पठार, समुद्र, मैदान, रेगिस्तान, यातायात, कृषि, चारागाह, उद्योग धंधों से लेकर सभी जीवित और निर्जीव वस्तुएं, क्रियाएं एवं प्रक्रियाएं पर्यावरणीय अध्ययन का ही भाग हैं। वास्तव में पर्यावरणीय अध्ययन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है, जैसा कि इस चित्र से भी स्पष्ट है कि इसमें हमारे जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के हर चीज, स्थिति, मौसम एवं क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जा सकता है। सत्र में हमें जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है वह है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन, जिसकी रूपरेखा और संकल्पना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति 1975 के नीतिगत दस्तावेज 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम एक रूपरेखा में पहली बार यह कहा गया कि पर्यावरणीय अध्ययन को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। इसमें यह कहा गया कि कक्षा 1-2 में पर्यावरणीय अध्ययन प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण दोनों को देखेगा तथा कक्षा 3-5 में इसके दो भाग होंगे, सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान के रूप में ईवीएस पार्ट 1 और ईवीएस पार्ट 2। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और एनसीएफ 1988 इसी बात पर जोर देता है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलता है एनसीएफ 2005 में, जिसमें कि पर्यावरणीय अध्ययन के एकीकृत दृष्टिकोण पर पहली बार बल दिया गया। सामाजिक अध्ययन और सामान्य विज्ञान दोनों विषयों का समेकन करते हुए एक नए विषय के रूप में मान्यता दी गई, वह है पर्यावरणीय अध्ययन। इसमें यह कहा गया कि कक्षा 1-2 में पर्यावरणीय कौशलों और सरोकारों को भाषा तथा गणित के साथ एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए तथा कक्षा 3-5 में पर्यावरणीय अध्ययन के रूप में इसकी शिक्षण होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी एनसीएफ 2005 का ही अनुसरण करता है। पर्यावरणीय अध्ययन एनसीएफ 2005 से ही चर्चा पर चर्चा का विषय रहा है और जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लागू होने की बात की जा रही है, जो कि पाठ्यक्रम की रटंत प्रणाली से दूर उसके व्यवहारिकता पर ध्यान देती है, इसमें यह बात की जा रही है कि वास्तव में पर्यावरणीय अध्ययन क्या है, यह एक विषय है या यह एक पद्धति है। अगर हम सूक्ष्म विश्लेषण करें तो समझ सकते हैं कि पर्यावरणीय अध्ययन सिर्फ आसपास की प्रकृति एवं जीव जंतुओं का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि इसमें विज्ञान को तो सम्मिलित किया ही जाता है, साथ ही साथ समाज, नैतिक मूल्यों और हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को भी सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि इन सभी की अंतःक्रियाएं हमारे रहन सहन पर प्रभाव डालते हैं और फिर यह हमारे जीवन शैली में शामिल होकर जीवन जीने की पद्धति बन जाता है। जैसे कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो इसमें इसकी संरचना हमारे जीवन पर प्रभाव का अध्ययन तो करते ही हैं, बचने के तरीकों का भी अध्ययन करते हैं, जिससे कि पता चलता है कि यह एक वायरस है जिससे बचने का तरीका प्रिकॉशन ही है और इसके लिए मास्क, साबुन एवं सैनिटाइजर का उपयोग बहुत प्रभावी है एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अत्यावश्यक है। अब यह हमारे दैनिक क्रिया में शामिल होकर हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा हो गया है। 2020 में पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करने के साथ ही इसके व्यवहारिक पक्षों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें पर्यावरणीय अध्ययन की प्रकृति एवं संरचना के कुछ पक्षों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। यह कहता है कि पर्यावरणीय अध्ययन पर्यावरणीय विज्ञान, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से अलग है, क्योंकि पर्यावरणीय विज्ञान में प्रकृति के बारे में, सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के बारे में तथा सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं, जबकि इसमें इन सभी विषयों का अध्ययन होता है, अर्थात यह बहुआयामी है जिसमें कि विभिन्न विषयों का समेकन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि विभिन्न विषयों के समेकन के बावजूद यह विषयगत सीमांकन से मुक्त है, क्योंकि इसमें विषयों के साथ ही रिश्ते नाते, रीति रिवाज, परंपराएं, सभ्यता एवं संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, जिससे पता चलता है
कि यह एक विषय ही नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति भी है। इसलिए इसमें विभिन्न अंतःक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जिससे कि भावी जीवन की तैयारी हो सके। जैसे कि इसमें हम ग्लोबल वार्मिंग का अध्ययन तो करते ही हैं, साथ ही भविष्य में इसे बढ़ने से रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों को अपना रहे हैं, जैसे कि प्रदूषण रोकना या पेड़ पौधे लगाना। जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरणीय अध्ययन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका शिक्षण प्राथमिक स्तर से ही आवश्यक है और इसका विकास इस तरह से होना चाहिए कि धीरे धीरे यह हमारे व्यवहार में भी आ जाए। क्योंकि पर्यावरणीय अध्ययन एक व्यवहारिक विषय है, इसलिए इसकी शिक्षण विधि भी बाकी विषयों से अलग होती है। इसमें परियोजना, क्षेत्र भ्रमण, प्रायोगिक एवं अनुभव आधारित शिक्षण विधि का प्रयोग होना चाहिए जिससे कि पर्यावरणीय अध्ययन का समुचित और व्यापक समझ विकसित हो। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय अध्ययन को ज्यादा अधिक से अधिक बाल केंद्रित, स्तरानुकूल, व्यवहारपरक और एकीकृत करने के लिए इसमें 6 विषयों का समावेश किया गया है जो इस प्रकार हैं: परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। इसमें परिवार और मित्र को 3 उप प्रकरणों में अध्ययन किया जाता है। परिवार और मित्र प्रकरण के पहले उप प्रकरण में बच्चे अध्ययन करते हैं पौधे, जानवर और मित्र का। इस भाग को बच्चों में यह समझ विकसित करने के लिए शामिल किया गया कि बच्चे यह समझ सकें कि मानव, पौधे और जीव जंतु आपस में प्रगाढ़ संबंध रखते हैं और हमें उनके बारे में पूर्ण और संगठित वैज्ञानिक एवं सामाजिक नजरिए से पढ़ने की आवश्यकता है। परिवार और मित्र प्रकरण के दूसरे उप प्रकरण में बच्चे अध्ययन करते हैं रिश्ते और संबंध का। वे अपने रिश्तेदारों के बारे में चर्चा करते हैं जो साथ रहते हैं या कहीं अन्य चले गए हैं। उनके गुणों और कौशलों की चर्चा करते हैं जिनकी वजह से उनकी प्रशंसा होती है, उन्हें अपनापन महसूस होता है। इस प्रकार बच्चों में भी इन गुणों एवं कौशलों का विकास होता है तथा उनमें अपनेपन एवं प्रेम की भावना का विकास होता है। परिवार और मित्र प्रकरण के तीसरे उप प्रकरण में बच्चे अध्ययन करते हैं काम और खेल का। इसमें उन्हें पता चलता है कि परिवार या पड़ोस में कुछ लोग तो काम करते हैं, कुछ नहीं। उन्हें विभिन्न व्यवसायों का पता चलता है, साथ ही लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं को भावनात्मक रूप से समझने में सहायता प्राप्त होती है। बच्चे जो खेल खेलते हैं उनका विश्लेषण करने का अवसर प्राप्त होता है। 2005 और 2020 में पर्यावरणीय अध्ययन की संकल्पना कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई, विशेषतः प्राथमिक कक्षाओं के लिए, जो कि इस प्रकार हैं: पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना जिससे कि बच्चे अपने आसपास के बारे में जानें, सीखें और समझें, साथ ही साथ वे सामाजिक मुद्दों और घटनाओं के प्रति भी संवेदनशील बने जिससे कि उनमें देश और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की समझ विकसित हो। इसके उत्तरोत्तर विकास में यह आवश्यक है कि बच्चे प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगा सकें और इन सभी के लिए आवश्यक है कि बच्चे अवलोकन व चित्रों के आधार पर समझ विकसित कर सकें जिसके माध्यम से वे बाद में भौतिक, जैविक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलू की समझ की ओर अग्रसर हो सकेंगे। पर्यावरणीय मुद्दों की इस प्रकार आपस में चर्चा हो कि उन्हें बुनियादी संख्यात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का विकास हो जिसके लिए बच्चों को खोजपूर्ण और हाथों की गतिविधियों में संलग्न किया जाना आवश्यक है। किसी भी विषय का यह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बने और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों जैसे लिंग भेद, उत्पीड़न, प्रदूषण, अनैतिक व्यवहार आदि को अपने आसपास एवं देश में हो रही मूर्त घटनाओं से संबंधित कर उन्हें समझने में सक्षम हो सके ताकि उनमें मानवीय अधिकारों, समानता और न्याय मूल्यों के लिए सम्मान विकसित हो और भविष्य में वे इस योग्य बन सके कि समानता, न्याय, मानव की गरिमा और अपने अधिकारों संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सकें। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि बच्चों में यह समझ विकसित हो सके कि वे बता पाए कि पर्यावरण संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है।
वे विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के बारे में अपनी समझ विकसित कर सकें। इसका समुचित समाधान क्या हो सकता है, इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकें। पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न हो, इससे संबंधित अच्छी आदतों का विकास करने के उद्देश्य से और प्राथमिक स्तर से ही या उनके व्यवहार में आए, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस पर्यावरणीय अध्ययन की संकल्पना की गई। जैसे कि इस मॉड्यूल की संकल्पना की गई है कि पर्यावरण से संबंधित हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान में रखते हुए आप अपना टीचिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे।